मज़ीद आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में इंतज़ामिया ने पूरे शहर के लिए सिर्फ दो ही रमज़ान बाज़ार कायम किए हैं। उन बाज़ारों में ख़रीदारों की तादाद ज़्यादा होने के बायस बेशतर अफराद को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। तफसीलात जान लेते हैं तैयबा अली से। शुक्रिया। माह रमज़ान के आगाज़ में भी एक तरफ आवाम जो है महंगाई से परेशान है, तो दूसरी जानब इस साल फैसलाबाद में सिर्फ दो ही रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी ज़्यादा रश बढ़ गया है। और सब्ज़ मसालाजात की अगर बात की जाए तो उनमें सबसे ज़्यादा महंगे सब्ज़ मिर्च और टमाटर हैं। सब्ज़ मिर्च की सरकारी कीमत 320 रुपये, जबकि रमज़ान बाज़ार में 310 रुपये फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि एक हफ़्ते के दौरान 60 रुपये कीमत में इजाफ़ा देखने में आया है। अगर टमाटर की कीमत की बात की जाए तो 160 रुपये इसकी सरकारी कीमत है, जबकि रमज़ान बाज़ार में 148 रुपये फ़ी किलो में ये फरोख्त किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान 53 रुपये का इजाफा देखने में आया है। आवाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से जो रमज़ान निगहबान पैकेज फ्राहम किया जाना था, उससे भी कोई रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लोग जो है वो अपनी मददाब के तहत रमज़ान बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ओपन मार्केट और रमज़ान बाज़ारों में अशिया की कीमतों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा, और यही मुतालबा किया जा रहा है कि माह मुकद्दस में कम से कम हकीकी मानों में आवाम फराहम करने के लिए इकदामात किए जाएं। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से सस्ते रमजान बाजार ना लगाने की वजह से गुजरांवाला शहर के वाहिद मॉडल बाजार में सस्ते दामों खरीदारी के लिए शहरियों का रश बढ़ गया। शहर में सिर्फ एक मॉडल बाजार होने की वजह से यहाँ सस्ती अशिया के हुसूल के लिए मर्द और खवातीन रोजे की हालत में लाइनों में लगने पर मजबूर है। मजीद अपडेट कर रही है गुजरांवाला से विनीश राजपूत। जी, रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है, तो आपको बताएं कि हर रमज़ान की तरह इस बार भी ओपन मार्केट में महंगाई का तूफ़ान है, और लोग जो हैं वो सस्ती चीज़ों के असूल के लिए मारे मारे फिरने लगे हैं। कभी यूटिलिटी स्टोर्स और कभी मॉडल बाज़ार में जो हैं वो रिलीफ के असूल की तलाश में हैं। आपको बताएँगे, हम इस वक्त पीपल्स कलोनी मॉडल बाज़ार में मौजूद हैं, और यहाँ पर कुछ फलों और सब्ज़ियों पर रायत जो है वो शहरियों को दी गई है, लेकिन सूरत हाल ये है कि इस रमज़ान भी शहर में कोई जो है वो रमज़ान बाज़ार नहीं कायम किया गया। तो एक ही इस मॉडल बाज़ार में काउंटर्स जो हैं वो दो लगाए गए हैं, जिसकी वजह से रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग गया है। ख़वातीन जो हैं वो लंबी लंबी लाइनों में खड़ी हैं, तो लोग जो हैं वो काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। उनका ये कहना है कि अगर सब्ज़ियाँ फल सस्ते देने ही थे कुछ रुपये, तो कम अज़ कम या तो रमज़ान बाज़ार लगाए जाते, अगर वो नहीं लगाए गए तो मॉडल बाज़ार में जो हैं वो इसके काउंटर्स बढ़ाए जाते, और जो सामान की एक मुख्तस मकदार की गई है उसको भी जो है वो ख़त्म किया जाए, ताकि रमज़ान में कम अज़ कम लोग वो चंद रुपये सस्ती चीज़ें जो हैं वो आसानी से खरीद सके। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर ही मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया। फलों सब्जियों और मसालाजात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गए। महंगाई के मारे आवाम बढ़ती हुई कीमतों के बायस इफ्तारी में फल से महरूम शहर इकतदार में प्याज 383 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहे हैं। कराची में शिमला मिर्च की कीमत 600 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। लाहौर में सरकारी रेट लिस्ट गैर मौसर हो गई। दुकानदार मनमानी कीमतों पर फ्रूट और सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अदनान भट्टी से। जी अदनान, बताइएगा। दौर में मुतवस्सित तबके के लिए फल और सब्जियाँ खरीदना ख्वाब बनकर रह गया है। रमजानुल मुबारक में भी हर घर की ज़रूरत होती है अफ्तारी के अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी की, फलों की, सब्जियों की, लेकिन यहाँ पर कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि शहरी जो है वो वापस लौटने लगे हैं। जो आलू का सरकारी रेट है वो तकरीबन 40 से 45 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर जो है वो 60 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और टमाटर है वो भी यहाँ पर महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है, जिस पर शहरियों ने तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। और इसी तरह अगर फलों की बात की जाए और जो सेब है वो 400 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके मुताबिक जो सेब की कीमत है वो 290 रुपये है। तो इसी तरह फलों और सब्जियों की कीमतें इस कदर ज़्यादा हैं, जो आम आदमी है उसकी कुव्वतें खरीद नहीं रही, और उसका ये कहना है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसको चाहिए कि जो ओपन मार्केट में नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं और जो ज़खीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है अमल में लाई जाए। और जो शहरी हैं उन्होंने ये इल्तजा किया है कि अगर हुकूमत ने कोई कमेटी तश्कील दी है और प्राइस कंट्रोल कमेटी के अलावा जो दीगर कमेटियाँ हैं जो इस चीज़ को देख रही हैं उनको चाहिए कि इसको इस पर नज़र रखें और जो कीमतें हैं उसको इतना कम होना चाहिए ताकि हर एक इंसान जो है वो ख़रीद सके। जी, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही इस्लामाबाद की आम मार्केट में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जियां, फल, चिकन समेत हर चीज़ की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। आम मार्केट में प्याज 383 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। मज़ीद बता रही हैं सबीन शहबाज। जी सबीन,
बिल्कुल देखिए, रमज़ान मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे इस दफ़ा भी धरे के धरे रह गए। रमज़ान मुबारक का जो दूसरा रोज़ा है और आज अशरफ़ रोज़ की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। चाहे सब्जियां हो, फल हो या चिकन हो, हर चीज़ की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। चीज़ों के रेट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो आम मार्केट में आलू जो है वो 70 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि रमज़ान से पहले जो है वो आलू 55 से 60 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हुआ करता था। प्याज जो है वो आम मार्केट में 383 रुपये फ़ी किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। प्याज की कीमत में भी जो है वो 20 से 25 रुपए का इजाफा रमज़ान के 2-3 रोज़ों में जो है वो हुआ है। इसके अलावा अगर जो है वो बात की जाए टमाटर की, तो टमाटर जो है वो आज जो है वो आम मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो फरोख्त किया जा रहा है। फलों की अगर बात की जाए तो फलों में केला और सेब जो है जो नॉर्मली हर घर में जो है वो यूज़ होता है, केले और सेब की कीमत में भी जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। सबसे हल्के वाला जो केला है वो 170 रुपये फ़ी दर्जन फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार ये कह रहे हैं कि हुकूमती रेट जो है वो इतनी है, हुकूमती रेट लिस्ट जो है वो इतनी है, तो उसके हिसाब से जो है चीज़ें फरोख्त की जा रही हैं, जबकि शहरी जो है वो कह रहे हैं कि माह रमज़ान के मुकद्दस महीने में हुकूमत जो है वो आवाम का थोड़ा बहुत ख्याल करे, थोड़ी बहुत रिलीफ जो है वो आवाम को दे, ताकि आवाम रमज़ान मुबारक का महीना सुकून से गुजार सके। जी, माह सयाम के शुरू होते ही कराची में भी सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। शिमला मिर्च जो 2 रोज़ कबल 300 रुपये फ़ी किलो थी, आज 600 रुपये फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है। इसी तरह आलू 30 रुपये इजाफे से 80 रुपये और बंद गोभी 50 रुपये से बढ़कर 120 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। मज़ीद इस पर बात करते हैं सोनिया खानजादा से। जी सोनिया, बताइएगा। ये आपको बताएं कि माह सयाम के शुरू होते ही सब्जियों की कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। इस वक्त हम जो है वो खारदर में मौजूद हैं, और अगर आज हम सब्जियों की कीमत की बात करें तो जो शिमला मिर्च 2 दिन कबल 300 रुपये की थी, आज वो 600 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसी के साथ आलू की कीमत पर भी तकरीबन 30 रुपये का इजाफा देखने में आ रहा है। सरकारी नर्फनामे में जो कीमत है उसमें तो हमें मार्केट में कोई चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही, लेकिन अगर हम बात करें मार्केट लेवल की तो 2 दिन कबल जो है आलू 50 रुपये फ़ी किलो थे, लेकिन आज मार्केट में है वो 80 रुपये के जो है वो दस्तयाब हैं। उसका यही शिकवा है कि रिलीफ की बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि रमज़ान रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन वो रिलीफ कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि माह सयाम से 2 दिन कबल जो कीमतें थी वो भी मार्केट में दिखाई नहीं दे रही। इसी के साथ अगर हम कमिश्नर कराची की बात करें तो उनके अपने नर्फनामे ऐसा लगता है कि शायद ऑफिस तक ही महदूद हैं, क्योंकि ना ही मुझे मार्केट में कहीं अवेज़ा दिखाई दे रहे हैं कि अवेज़ा किए हों किसी ने, ना ही जो है उन पर अमल दरामद हो रहा, बल्कि मनमानी कीमतें ली जा रही हैं। मुनाफाखोर जो हैं वो गिराफरोश और मुनाफाखोर जो है वो सरगर्म है, और हर दुकान पे अपनी एक कीमत में चीज़ फरोख की जा रही है, जिसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। जी मज़ीद आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में इंतज़ामिया ने पूरे शहर के लिए सिर्फ 2 ही रमज़ान बाज़ार कायम किए हैं। उन बाज़ारों में ख़रीदारों की तादाद ज़्यादा होने के बायस बेशतर अफराद को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। तफ़सीलात जान लेते हैं तैयबा अली से। शुक्रिया। माह रमज़ान के आगाज़ में भी एक तरफ आवाम जो है महंगाई से परेशान है, तो दूसरी जानब इस साल फैसलाबाद में सिर्फ 2 ही रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी ज़्यादा रश बढ़ गया है। और सब्ज मसाला जात की अगर बात की जाए तो उनमें सबसे ज़्यादा महंगे सब्ज मिर्च और टमाटर हैं। सब्ज मिर्च की सरकारी कीमत 320 रुपये, जबकि रमज़ान बाज़ार में 310 रुपये फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि एक हफ़्ते के दौरान 60 रुपये कीमत में इजाफा देखने में आया है। अगर टमाटर की कीमत की बात की जाए तो 160 रुपये इसकी सरकारी कीमत है, जबकि रमज़ान बाज़ार में 148 रुपये फ़ी किलो में ये फरोख्त किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान 53 रुपये का इजाफा देखने में आया है। आवाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से जो रमज़ान निगहबान पैकेज फ्राहम किया जाना था उससे भी कोई रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लोग जो है वो अपनी मदद आप के तहत रमज़ान बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ओपन मार्केट और रमज़ान बाज़ारों में अशिया की कीमतों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा, और यही मुतालबा किया जा रहा है कि माह मुकद्दस में कम से कम हकीकी मानों में आवाम फराहम करने के लिए इकदाम किए जाएं। जी